गया है। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें तमाम स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते हैं दो तस्वीरें यहां आपको दिखाने जा रहे हैं। पिछली बार जहां स्वच्छता अभियान में झाड़ू पकड़कर मोदी ने भारतीयों के अंदर स्वच्छता का विश्वास बढ़ाया था, वहीं अब फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मोदी ने लोगों को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने का प्रण लेने का फैसला किया है। दो तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है और इस मौके पर लोगों से अपील की जाएगी कि वो स्वस्थ रहे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, चाहे वो कोई खेल हो, कोई स्पोर्ट्स हो या फिर नॉर्मल वॉक करना हो, तमाम और चीजें हो, लोगों को सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। ये मैसेज आज प्रधानमंत्री मोदी देने की कोशिश करेंगे। अभियान में आपको बता दें उद्योग, फिल्म, खेल, तमाम अलग अलग जगत के लोग जो है इसमें शामिल होंगे। खेल मंत्रालय के साथ कई और मंत्रालय भी मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न चरणों में अगले 4 साल के लिए यह अभियान रहेगा, यानी 2023 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। भारतीयों को दैनिक जीवन में फिट रहने के लिए प्रेरित करना इस मूवमेंट का मकसद है, यानी आम लोगों को फिट रहने की जरूरत है और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो उनकी सेहत के लिए बेहतर हो। तो बता दें कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुछ ही देर में यह अभियान शुरू होने वाला है और इसके तहत कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 15 दिन का एक फिटनेस प्लान भी तैयार करने को कहा गया है और इन तमाम जगहों पर फिलहाल स्क्रीन्स लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में बच्चों और आम लोगों को यहां पर आने के लिए कहा गया है ताकि वो इस मूवमेंट की शुरुआत का हिस्सा बन सके। कैंपेन जो है इसको किसी एक वर्ग, किसी एक जगह या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रखना है। फिट इंडिया जो मुहिम चलने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी 29 अगस्त जो भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस है उस दिन लॉन्च करेंगे और प्रधानमंत्री जब लॉन्च करेंगे इसका असर पूरे व्यापक रूप से देश भर में पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि फिट किसके लिए है, आप क्यों फिट रहना चाहते हैं। फिट रहना इसलिए अनिवार्य है कि आपके जीवन के लिए, आप अपने लिए बहुत ही जरूरी है कि आप फिट रहे और आप फिट रहेंगे तब देश को भी आप बहुत अच्छा आप योगदान दे सकते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है और तमाम अवार्ड्स आज खेल जगत से जुड़े लोगों को दिए जाएंगे और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन ने बात की पैरा एथलीट दीपा मलिक से। हमारे साथ मौजूद है दीपा मलिक जिनको अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा है और एक पैरा एथलीट को इससे बड़ी मोटिवेशन की बात सभी देशवासियों के लिए नहीं होती। मेरे लिए भी एक धन्यवाद का पल है। सब मुझे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आई थिंक आई एम इन अ मोड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मुझे एक धन्यवाद देना है इस अवार्ड के थ्रू उन सभी लोगों का जो कभी ना कहीं मेरी मदद के लिए खड़े रहे। जब हेल्प नहीं मिलती थी तब भी कुछ लोग वॉलंटियर करते थे, जो कोचेस जुड़े जिन्होंने मेरे शरीर को समझा कि इसको इतनी डिसेबिलिटी में कैसे हम तैयार करेंगे। इट्स अ थैंक यू टू माई फैमिली। सीधी तस्वीरें इस वक्त इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यहां पर, कुछ ही देर में इस मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं और अगर दर्शक ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो हमारे आम जनजीवन के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो बात स्वच्छता की रही हो और अब जिस तरह से बात फिटनेस की हो रही है प्रधानमंत्री मोदी इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज, तमाम जगह बच्चों से कहा गया है कि वो इस मूवमेंट की शुरुआत का हिस्सा बने। फिट रहना बेहद जरूरी है। आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, दुनिया भर के देशों में भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा है और फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये मंच तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उनके साथ जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वो सब तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। एंड मेक यू फिटनेस कॉन्शियस। आप कुछ मिनट किरण रिजिजू को देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। किरण रिजिजू की बात करें तो वो भी फिटनेस को बेहद ज्यादा प्रमोट करते हैं, काफी वीडियो उन्होंने भी पोस्ट किए हैं तमाम ट्विटर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। प्रधानमंत्री मोदी खुद फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है।
और अगले 4 साल तक ये अभियान चलाया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट अगले 4 साल तक चलाया जाएगा। ये कुछ और लोग आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद हैं, फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो देश को फिट बनाना है, लोगों को फिट बनाना है, ये सबके जीवन के लिए जरूरी है। यही मैसेज आज प्रधानमंत्री मोदी देने की कोशिश करेंगे। मन की बात में भी उन्होंने यही संदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी देख सकते हैं आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही वक्त में होने वाली है। प्रगति के पथ पर, विकास के रथ पर चल रहा है देश मेरा। स्वस्थ भारत का एक नया सवेरा, एक नया सपना देख रहा है देश मेरा। नमस्कार भारत, नमस्कार दिल्ली, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं गीतिका गंजूधर और मैं यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों का और हमें टेलीविजन और सोशल मीडिया पे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन फिट इंडिया अभियान का लॉन्च किया जाएगा ताकि हर भारतवासी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, खुद को फिट रखे और साथ ही साथ देश को भी फिट बनाए। फिट इंडिया अभियान भारतवासियों में फिटनेस की ओर जागरूकता जगाएगा और फिट इंडिया का एक नया सवेरा लेकर हम सब के लिए आएगा। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। और आज इस सुबह की शुरुआत होगी स्वागत भाषण के साथ। मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू जी से कि वह स्वागत भाषण दें। पूरा भारत देश का और खास करके युवाओं के दिलों के धड़कन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा मामले विभाग के सचिव सुश्री उपमा चौधरी जी, खेल विभाग के सचिव श्री राधेश्याम जोलाना जी और आज के इस रोमांचक कार्यक्रम में हमारे बीच में आए देश के कोने कोने से जो फिटनेस आइकन है अलग अलग क्षेत्र में, और आज ही के दिन खेल दिवस के अवसर पर जिनको हम खेल और एडवेंचर के जो अवार्ड देने वाले हैं, अर्जुना, खेल रत्ना द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल रत्ना नाका और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से जिसको नवाजा जाएगा शाम को राष्ट्रपति भवन में हमारे बीच बैठे हैं। और बीच में इस तमाम देश के अलग अलग कोने से हमारे बीच में आए हुए माता और बहनों और काफी मात्रा में युवाओं के प्रतिनिधि इस स्टेडियम में आए हुए हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज के फिट इंडिया मूवमेंट का जो कल्पना निर्देश, जिसने एक फिट इंडिया का सपना देखा है और हमको मार्गदर्शन दिया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं अपने विभाग की ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं।
साथ साथ पूरे देश भर में दूरदर्शन के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबका भी इस रोमांचक कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में कोने कोने में एक नए जोश के साथ सब इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे भारत देश में कि इतनी बड़ी मुहिम अपने फिटनेस को लेकर के पहली बार खेल दिवस में जो लॉन्च करने का कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको भाग लेने के लिए, उसको सम्मिलित करने के लिए सब लोग तन मन और पूरे लगन के साथ जुड़े हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कल्पना, प्रधानमंत्री जी का सपना कि एक सशक्त भारत बने, एक बहुत ही प्रगतिशील भारत बने, जिसके लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, हर भारतीय को स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस कल्पना को पूरा करने के लिए सब जुड़े हैं। मैं आपको तहे दिल से सबको स्वागत करते हुए भी और साथ साथ में आगे इसको एक अभियान के रूप में हम लोग ले जाना चाहते हैं, आपको आह्वान करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने के बाद इस कार्यक्रम को हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसके लिए हर भारतवासियों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। मैं बहुत ही खुश हूं कि आज खेल दिवस में मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर माना जाता है, उनके जन्म दिवस पर यह फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूं। जय हिंद। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से युगों युगों से फिटनेस हम सब की दिनचर्या का हिस्सा रहा है, चाहे वो खेल कूद हो, नृत्य हो या हम सबकी रोजमर्रा की जीवन शैली। आइए देखते हैं किस तरह से इस मजबूत नींव पर फिट इंडिया अभियान एक जन अभियान का रूप लेने जा रहा है।